कि काला नमक बनाया किस तरीके से जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान से लाया जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि ये पहाड़ों को तोड़कर बनाया जाता है, लेकिन असलियत में ये भारत में ही बनाया जाता है फैक्ट्रीज में, और इसे बनाने की प्रोसेस है बहुत ज्यादा मेहनत के साथ साथ बहुत ज्यादा खतरनाक भी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है काला नमक। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये सामर नमक का ट्रक है जिसमें मोटा नमक आता है जो कि राजस्थान में जयपुर से लाया जाता है, और इस नमक से बनने वाला है हमारा काला नमक। अभी यहाँ पर भट्टी के अंदर आग लगाई जा रही है जिसके अंदर हमारे मटके रखे जाएंगे और वहाँ हमारा तैयार होगा काला नमक। और एक भट्टी के अंदर 40 मटके रखे जाते हैं और अब इस आग के ऊपर से उपले रखे जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी मेहनत के साथ साथ रिस्की काम भी है ये। और अब उपले लगाने के बाद इसके ऊपर से डाला जा रहा है कोयला। तो एक लेयर उपलों की हो गई है और उसके ऊपर से एक कोयले की लेयर आ गई है। और ये देखिए मटके आ गए हैं, ये मटके लगाए जाएंगे हमारी भट्टी के अंदर। तो एक भट्टी के अंदर टोटल 40 मटके लगाए जाएंगे जिसमें हमारा काला नमक तैयार किया जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं जो हमारी भट्टी है वो पूरी तरह से मटकों से भर चुकी है। और अब देखिए इसमें कोयला फिर से डाला जा रहा है, तो पूरी तरह से ऊपर तक इन मटकों को कोयले से भर दिया जाएगा ताकि चारों ओर से इसमें आ जाए। और आप देखिए कोई 2.5 फीट गहरी ये भट्टी है जिसमें मटके रखे हुए हैं और इन मटकों को पूरी तरह से कोयलों से दबा दिया गया है। और अब कोयला लगाने के बाद हमारा नमक लिया जा रहा है, जो हमारा नमक आया था ट्रक के अंदर वो नमक लिया जाएगा और मटकों के अंदर डाला जाएगा। और अब कोयले के बाद मटकों के अंदर नमक डाला जा रहा है, हर एक मटके के अंदर 5 किलो नमक डाला जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा मोटा नमक है ये, इसे सामर नमक बोलते हैं, इससे हमारा काला नमक तैयार होने वाला है। और अब नमक फिल करने के बाद इनके बीच में ईंटें रखी जा रही हैं ताकि हमारे मटके अच्छे से बंद हो सके। और ये जो आप देख रहे हैं ये है बादाम का छिलका जो कि हमारे मटकों के अंदर जाएगा। और अब नमक डालने के बाद मटकों के अंदर से बादाम का छिलका डाला जा रहा है और हर एक मटके के अंदर अंदाजे से 1-1 किलो बादाम का छिलका डाला जाएगा। और अब नमक और बादाम का छिलका डालने के बाद मटकों को कवर किया जा रहा है, उसके ऊपर से ढक्कन लगाए जा रहे हैं और पूरे 24 घंटे की प्रोसेस है। अभी यहाँ पर नमक फिल किया गया है और कल सुबह जाकर हमारा नमक तैयार होगा। और अब ढक्कन लगाने के बाद ये चावड़ी लगाई जा रही है ताकि हमारा मटके का ढक्कन खुले ना। और अब हमारे मटकों को अच्छे से कवर कर दिया गया है, 4 घंटे के लिए इनको पूरी तरह से कोयले की आंच पर पकाया जाएगा। और अब करीब 4 घंटे हो चुके हैं इनको कोयले की आंच पर पकते, अब इनके ढक्कन को हटाकर चेक किया जाएगा हमारा नमक कितना तैयार हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी गरम-गरम लपटे दिखाई दे रही होंगी आपको, तो इस आंच में हमारा काला नमक तैयार होता है। और ये सरिये के जरिए पता लगाते हैं कि कितना हमारा काला नमक तैयार हुआ है। और अभी इसके अंदर और नमक डाला जाएगा, 4 घंटे हो चुके हैं नमक को पकते, अब इसके अंदर और नमक डाला जाएगा। अब इन मटकों को पूरी तरह से ऊपर तक नमक से फिल कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से सारे मटकों के ढक्कन हटाए जाएंगे, उनके अंदर नमक भरा जाएगा और फिर से पकाया जाएगा। 2 घंटे हो चुके हैं, अब इनके अंदर फिर से नमक डाला जा रहा है। तो इसी तरीके से 3 बार नमक डाला जाता है तब जाकर हमारा काला नमक तैयार होता है। और आज इतनी ज्यादा तेज है कि वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रही है, तो सोचिए इनको नमक बनाने में कितनी ज्यादा दिक्कत होती होगी। और अब दूसरी बार नमक डालने के बाद 3री बार नमक डाला जा रहा है। इसी तरीके से 5 बजे तक यही प्रोसेस चलती रहेगी और फिर सुबह के 4 बजे जाकर ये नमक खोला जाएगा। पूरे 24 घंटे हो चुके हैं मटकों को रखे हुए, कल 5 बजे रखे गए थे और आज सुबह के 4 बज चुके हैं। तो सबसे पहले इनकी चावड़ी हटाई जा रही है, उसके बाद इनके ढक्कन हटाए जाएंगे और तब निकाले जाएंगे हमारे मटके। और अब चावड़ी हटाने के बाद ईंटें हटाई जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं ईंटें भी कितनी लाल हो चुकी हैं आज में। और अब ईंटें हटाने के बाद ढक्कन हटाए जा रहे हैं मटकों के, और जैसे कि आप देख सकते हैं मटके अंदर से कितने ज्यादा लाल हो चुके हैं कोयले की आंच पर पकते। जैसा सूरज का कलर होता है बिल्कुल वैसा कलर हो चुका है हमारे काले नमक का, और सूरज की तरह तपका तैयार होता है हमारा काला नमक। और ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे में नमक तैयार हो चुका है, पूरे 24 घंटे लगे हैं, 24 घंटे वीडियो को बनाया गया है। और अब इन खोलते हुए मटकों को बाहर निकाला जाएगा। काला नमक तैयार करने में काफी लोगों की जान भी चली जाती है क्योंकि इतनी ज्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ पर। अब देखिए मटके को बाहर निकाला जा रहा है और कितना ज्यादा भभकता हुआ मटका है, और इसके अंदर हमारा काला नमक तैयार हो चुका है। और इसी तरीके से सारे मटकों को बाहर निकाला जाएगा, और जैसे कि आप देख सकते हैं मटके को सरिये से बाहर निकाला जा रहा है। और अगर ये मटका किसी को टच कर लेता है तो खाल तो छोड़ो मांस भी पिघल जाएगा, इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पर है ये। तो जो काला नमक हम खाते हैं वो इतनी ज्यादा मेहनत के साथ साथ रिस्क लेके बनाया जाता है। और गाइस वीडियो में देखने में इतने ज्यादा खतरनाक लग रहे, तो सोचिए रियल में कितने ज्यादा खतरनाक होते होंगे। पूरी तरह से गरम गरम भभकते हुए मटके हैं ये जो निकाले जा रहे हैं, और इसके अंदर है हमारा काला नमक। और इसी तरीके से ये लोग काला नमक तैयार करते हैं हम लोगों के लिए अपनी जान पर रिस्क लेकर। तो गाइज इन लोगों के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है, और एक कमेंट इन वर्कर्स के लिए जरूर करना जो अपनी जान का रिस्क लेकर इस काले नमक को तैयार करते हैं। और अब 5 घंटे हो चुके हैं, मटके हमारे ठंडे हो चुके हैं पूरी तरीके से। अब इनके ऊपर जो मटका है वो हटाया जाएगा और काला नमक बाहर निकाला जाएगा, और जो इस मटके की लेयर के अंदर है
वो है हमारा असली काला नमक जो हमारा 24 घंटे में बनकर तैयार हुआ है। और अब हमारे सारे काले नमक के ऊपर से मटके की लेयर हटाई जा चुकी है। अब हमारा काला नमक बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसका स्टॉक लगाया जाएगा और फिर कल गाड़ियों में भरकर मार्केट में ले जाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि खाने की चीज को ये पैर से क्यों टच कर रहे हैं। तो गाइस भैया का कहना है कि काला नमक अभी भी बहुत ज्यादा गर्म है क्योंकि 24 घंटे ये भट्टी में रहा है और जो लेयर ऊपर की है जिससे ये पैर टच कर रहे हैं वो ऊपर से हटा दी जाएगी। उसके अंदर जो नमक है वो हमारा मार्केट में सेल किया जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें।